नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में आज के ताज़ा करेंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का ताज़ा करेंट अफेयर्स क्या क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन को WHO का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके उसका जो उप महानिदेशक थे सौम्या स्वामीनाथन, उप महानिदेशक थी सौम्या स्वामीनाथन, उसको अब मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को मुख्य वैज्ञानिक के रूप में WHO में नामित किया गया है। दोस्तों, WHO के बारे में हम और दो तीन चीज़ जानेंगे, उस जो जानना ज़रूरी है। दोस्तों, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में जेनेवा में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड नामक देश में है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है BBC संवाददाता प्रियंका दुबे को 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी पुरस्कार दिया गया। प्रियंका दुबे को 2018 के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है कि BBC की संवाददाता प्रियंका दुबे को 2018 के की बेस्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, और एक चीज़ जो सवाल में पूछा जाता है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकारिता से संबंधित है, और इसमें महिलाओं को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2014 से 64 मिलियन वैश्विक रुपए कार्ड जारी किए हैं। जो भारत की जो पेमेंट कॉरपोरेशन है, जो जिसके द्वारा इंडिया का पूरा पेमेंट ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम कंट्रोल होता है, NPCI ने 2014 से अभी तक 2014 से अभी तक 64 मिलियन वैश्विक रुपए कार्ड जारी किए हैं। दोस्तों, रुपए कार्ड के बारे में और एक चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे पहले रुपए कार्ड सिर्फ इंडिया में वैलिड होता था, इंडिया से बाहर रुपए कार्ड वैलिड नहीं होते थे, लेकिन 2014 से रुपए कार्ड को एक वैश्विक कार्ड के रूप में उसको बनाया जा रहा है। और इस दौरान टोटल 64 मिलियन वैश्विक रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है बीजू पटनायक हवाई अड्डे ने वर्ष 2018 के लिए आकार और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता। दोस्तों, बीजू पटनायक हवाई अड्डा जो भुवनेश्वर में है, और उसने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है 2018 के लिए। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है बीजू पटनायक हवाई अड्डा। दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। 1, 2, 5 और 10, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए हैं, जो नेत्रहीनों के अनुकूल हैं। मतलब वो जो सिक्के जारी किए गए हैं वो नेत्रहीनों को के अनुकूल बनाए गए हैं। जो नेत्रहीन व्यक्ति भी उस सिक्के को हाथ से छूकर कितने रुपये का सिक्के है उसके बारे में जान सकता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है। दोस्तों, अगला पॉइंट है वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और लोकसभा के और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो कोस्टारिका के दौरे में गए हैं। कोस्टारिका नामक देश है, वहाँ उस दौरे में गए हैं और दो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
और पहला जो समझौता है वो वीजा से संबंधित है, वीजा से आवश्यकता से संबंधित एक समझौता है। और दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोस्टारिका के साथ। दोस्तों, कोस्टारिका देश के बारे में हम जानते हैं कुछ। कोस्टारिका की जो राजधानी है सेन जोन्स है, कोस्टारिका की राजधानी सेन जोन्स है। और वहाँ की जो मुद्रा करेंसी है कोस्टारिकन कोलन। कोस्टारिका की मुद्रा कोस्टारिकन कोलोन। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गूगल ने भारत में बच्चों के पढ़ने के लिए बोलो नामक एक ट्यूटर ऐप लॉन्च किया है। गूगल ने बोलो नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जो बच्चों के पढ़ने के लिए है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में हम दो पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, अगला पॉइंट है, सुभाष गर्ग को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के वित्त मंत्रालय में सुभाष गर्ग को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इसरो इसरो जो भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और फ्रांस का सी एन ई एस, इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। भारत का इसरो और फ्रांस का CNES ने समुद्री निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता किया है और दोनों इस पर मिल के काम करने के लिए राजी हुए हैं। तो दोस्तों, CNES का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म उनका फुल फॉर्म तो फ्रेंच भाषा में है, तो इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, फ्रांस की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये नाम है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स में बस इतना ही। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।